एक मतलब हल्का सा डिले होता है बस कि ये साला इसको प्रेस करने का पड़ेगा, जो भी एक बार में नहीं होता वो DRM मोड दे देते तो काफी अच्छा होता। अब मैं आपको एक चीज बताऊं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है ब्रेजा का मेरा VXI वेरिएंट, मैंने खुद ने परचेज किया, इसके दो एक वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं आपको जो VXI में कंपनी फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है उसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा, रिवर्स कैमरे की क्वालिटी और जो उसमें फॉल्ट है वो भी क्लियरली दिखा दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस। सबसे पहले चलते हैं, इसको 222 बोल रहा है, चाबी निकाल लेता हूं, अंदर ही चलते हैं। सबसे पहले एक फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप क्या करेंगे, चाबी लगाएंगे, इसको ऑन करेंगे। अब देखिए जैसे ही ऑन होगा, अबे हो जा, ये देखिए सुजुकी लिखा हुआ आया, ये ऑन हो रहा है अभी तो आ रहा है एकदम से। ये देखिए ये मैंने एक बार दबा दिया, ऑफ नहीं होगा, ये दूसरी बार दबाया मैंने तब जाके ये म्यूट आता है इसमें, ये फॉल्ट। अब मैं बताऊं पहले क्या होता था कि इसमें एक DRM मोड आता था, आप खाली ये मोड वाले बटन को दबाते थे तो आपका FM का साउंड नहीं सुनाई देता था। लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि ये साला इसको प्रेस करने का पड़ेगा, जो भी एक बार में नहीं होता दूसरी बार में हुआ। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इसको बंद करके ही रखें, ये जैसे अभी बंद है मतलब म्यूट है, तो मैं गाड़ी ऑफ करता हूँ, वापस इग्निशन चालू करूँगा, तो ये देखिए अभी FM का साउंड नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑफ है। लेकिन फिर इसको ऑन करो, मतलब ये क्या रहता था पहले, जो आता था पहले क्या होता था मैं बताऊं आपको। सेटिंग में जाएंगे आप, ये FM वाला दिख रहा है आपको लोगो, यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे DRM मोड आता था, उसको अगर एक्टिवेट कर देते थे अपन तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी इग्निशन ऑन करा एक बार मोड को दबाया तो FM नहीं चलता था, लेकिन अभी हर केस में चलेगा। तो एक तो ये सॉल्यूशन आपके पास कि इसको आप अनम्यूट करके ही रखें, म्यूट करके ही रखें मतलब, सॉरी। और दूसरा ये है कि यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ करके रखें तो क्या रहेगा, जब इसको आप ये इग्निशन ऑन भी करेंगे तो ये ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। लेकिन वो फिर वापस उसे ऑन करो क्लिक करके, वो DRM मोड दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे स्क्रीन है रात में थोड़ी सी आपको ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस वगैरह लग रही है, तो सबसे अच्छा है ये जो इसका ऑन ऑफ वाला बटन है यहीं आप क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीन ऐसी आ जाती है, ये भी खूबसूरत लगती है। अब मैं आपको बता दूं, इसको आपको ऑफ करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा तो ये ऑफ हो जाती है, लेकिन ऑन करना तो एक ही क्लिक में ये ऑन हो जाती है। अब आपके सामने जैसे ऑन करते हैं ऐसी स्क्रीन आती है, तो इसको जब आप स्लाइड करेंगे हल्का सा तो सबसे अच्छी बात जो रेंज जितनी चलनी है और जितना माइलेज मिल रहा है वो आपको ऊपर ही दिखा देगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। अब क्या करते हैं, नीचे जाएंगे तो आपको मीडिया फोन कनेक्ट ये तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले कनेक्ट करना तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपके कॉल वगैरह अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके सब चीज़ अलाउ करते हैं तो वो कर सकते हैं। मीडिया पर जाएंगे आप तो FM AM ब्लूटूथ USB चला रहे हैं तो USB भी जा सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करना तो यहाँ से वो भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं। और पहले मैं थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें बता दूँ, मेन चीज़ें बता रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना तो सेटिंग में जाएंगे, ये डिस्प्ले का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक जाएंगे तो यहीं से डेट एंड टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम में जाके ये देखिए, अब यहाँ से आप व्हीकल अलर्ट्स वगैरह जो भी है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेन चीज़ें हैं आपकी भाई, है ना, फालतू चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ। ये सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन लेना तो यहाँ से ले सकते हैं आप, वो कोई लेता नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट करते हो, सबसे पहले बता दूँ चलती गाड़ी में ब्लूटूथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा, सेफ्टी फीचर है। आप गाड़ी को रोकेंगे, हैंड ब्रेक को पुल करेंगे तभी आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्लूटूथ तो मैं ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ। NCS वाले सॉन्ग सुनाता हूँ आपको, इस प्राइस रेंज में ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा है भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम है। मतलब साउंड के उससे एतबार से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फुल 40 पे भी सुना तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें ऐसा कुछ। अब चलाते हैं सॉन्ग, सबसे पहले ये मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, इसमें मीडिया पे गया, ब्लूटूथ पे क्लिक किया, ये सॉन्ग आ गया। अभी क्या है वॉल्यूम, बाहर भी बता दिया मैंने, यहाँ पे कोई साउंड वाउंड नहीं है, एकदम ओपन स्पेस में हूँ मैं। Not as tough.
अब अंदर जाके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, वॉल्यूम कम कर दी। वापस से स्टार्ट करा मैंने 25 पे, तो ओवर ही डिसेंट आता, लेकिन झर्राना जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा 40 पे भी। अब देखो 25 पे अपन करते हैं इसको। ये हो गया भाई आपका साउंड, मैंने आपको क्लियरली सब तरीके से सुना दिया कम ज्यादा करके। और एक और बात बता दूं, जैसे कभी आपका मोबाइल कनेक्ट कर दिया, आपने मीडिया नहीं आ रहा है, तो आप ये मीडिया पे क्लिक करेंगे, ये ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, वो भी लाइव दिखा दूं, हर चीज लाइव दिखा। थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है लेकिन आप लोगों के फायदे के लिए। ये देखिए मैंने ऑन करा इसको, ठीक है ये कनेक्ट हो जाए, 2 मिनट फॉर सपोज ये कनेक्ट हो गया, ओके है ना। अब आप ये मीडिया पे जाएंगे, ठीक है ये ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। इन केस कभी नहीं होता है तो ऐसे जाके आप कर सकते हैं, ये फोन पे आपका जो भी फोन, ये देखिए ये जैसे रियलमी पैड डिवाइस से कनेक्ट हो रही है, इसको बैक कर दीजिए आप। ये भाई मेनली चीजें हैं, और ये ऊपर वाला तो मैंने बताया, ये तो यहाँ से अगर पेयर है डायरेक्ट पेयर कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं, कर सकते। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ सिस्टम पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये फोन की सेटिंग वगैरह आपकी आ जाएगी, आप देख सकते हैं। नीचे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया आपका मीडिया, ये जो भी आपकी प्लेलिस्ट है आप जो अलाउ करते हैं, जब ये आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो मांगेगा कि मीडिया फाइल्स कॉन्टेक्ट आप अलाउ करना, तो आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ अरेंज करना, जैसे क्या बोलते हैं स्पीकर वगैरह या उसका बेस बेस, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, इस पे जाएंगे नीचे, तो यहाँ आपका देखिए बेस आ गया, किस हिसाब से आपको बेस वगैरह रखना है, बैलेंसर आ गया। ये बैलेंसर में ही होता भाई, कभी कभी आपका म्यूजिक सिस्टम एक स्पीकर काम कर रहा नहीं कर रहा, तो वो क्या इधर उधर हो जाता है, इसको बीच में रखें आप तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया बैलेंसर, और यहाँ से जो भी वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब अपन इसका रिवर्स कैमरा देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, हैंड ब्रेक को डालूंगा। देखिए भाई ये है रिवर्स कैमरा, जो क्वालिटी क्लियर आ रही है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको जैसी आ रही है। थोड़ा सा और धूप छांव वाले एंगल ले लेता हूँ, आगे करते हैं थोड़ा सा और। तो भाई ये अभी आगे में तो नहीं आएगा, फिर से दिखाते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग सच ये सब यहीं बता देता है, अच्छी चीज़ है। एक बार रोक के मैं आपको, ये देखिए ये ओरिजिनल क्वालिटी आ रही है आपको, मैं दिखा रहा हूँ जो आपको। लेकिन भाई ये है कि बस ठीक है, इतना है कि आपको दिख जाएगा, और रात में थोड़ा सा और बेकार हो जाती है ये क्वालिटी। ठीक ठाक है, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं बोलूंगा मैं, बस ओके ओके ओके, मतलब कि आपका काम चल जाएगा, जैसे कोई पीछे दिख नहीं रहा आपको तो दिख जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्लियर है और लैग वैग नहीं। और बाकी टच की बात करें अपन, चलिए इसको सीधा टच भी बता दूं मैं आपको। टच रिस्पॉन्स कोई भी लैग नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब स्मूथ है, हल्का सा एक मतलब हल्का सा डीले होता है बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है इसका, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लैग फील हो रहा है या फिर अपन टच कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। देखिए वन टच सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी, वो ये बस एक ही प्रॉब्लम थी जो म्यूट वाली मैंने आपको बताई, इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी साउंड बहुत डिसेंट है, मतलब आप जब बॉलीवुड सॉन्ग सुनेंगे, ये तो फिर भी कॉपीराइट सॉन्ग अपन ने चलाया तो थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा आपको, लेकिन जब आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनेंगे तो भाई मैं बता रहा हूँ आप फुल 40 पे सुनना हाईवे पे, बेस वगैरह सब अच्छे से एडजस्ट करके फुल 40 पे सुनना, बिल्कुल ऐसा झर्राने वाला साउंड बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत डिसेंट लगे। मतलब जो किया आती है, किया का जो सेकंड बेस आता है ना HT HTK, उसमें भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं आता जितना ब्रेजा ने सेकंड बेस में दिया हुआ है। तो भाई यही थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, और बाकी और वीडियोस अपन बनाते रहेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेके, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।